अटल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूंगी कि हमारी जो ऑडियंस जिसको आपसे अभी से ही बहुत ज्यादा लगाव हो चुका है, मैं चाहूंगी हमारी ऑडियंस को आप हमारे प्रोमो में से कुछ पंक्तियां सुनाएं। खेत कपास का, कपास किसान का, तो कपड़ा अंग्रेजों का क्यों? नौजवान इस देश का, देश हिंदुस्तानियों का और हिंदुस्तान अंग्रेजों का क्यों? मिट्टी हमारी, अनाज हमारा, खून पसीना हमारा, तो बहेगा अंग्रेजों के लिए क्यों? नमस्कार नेहा जी, आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं लखनऊ की सरजमी पर। और अब आपसे भी दरख्वास्त है कि आप अपने इतने महत्वपूर्ण किरदार के बारे में विस्तार से बताएं। दिल बहुत जोरों से धड़क रहा है और हाथ कांप रहे हैं मेरे। आप सबकी बहुत आभारी हूँ कि आप यहाँ तक आए। दो वजहें हैं दिल धड़कने की। सबसे पहले तो ये है कि ये जो सामने लोग बैठे हैं, जो मुझ पे भरोसा करते हैं, जो जिन्होंने मुझ पे विश्वास दिखाया है कई बार, बस इतना चाहती हूँ कि वो विश्वास कायम रहे और मैं उन्होंने जो सोचा है मेरे लिए उस पर खरी उतर पाऊँ। आपको थैंक यू नहीं कहूँगी, आपको शुक्रिया नहीं कहूँगी, क्योंकि अब एक साथ जुड़कर जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं तो हमारे बीच कुछ फर्क रहा ही नहीं है। तो हम सब मिलकर आपके सामने ये प्रस्तुति ला रहे हैं अटल। दूसरी वजह है इस नर्वसनेस की, किसी भी बड़े इंसान को जब देखते हैं, उसका काम, उसकी जीवनी, तो हमेशा एक चाह रहती है कि इसके जीवन में एक बार झांक कर देखें कि ये कहाँ से आया है, ये संस्कार कौन से है, ये परवरिश क्या है। अटल जी के पिताजी, हम अटल जी को देखते हैं, आज भी वो हमें मौजूद है। वो राजनीति और उनका जो कार्य रहा, सिर्फ उससे ही नहीं बल्कि उसके आगे चलकर वो जो इंसान थे और उन्होंने जो हमें प्रेरणा दी है उस वजह से। अटल जी कैसे बने होंगे और उनके पिताजी का उनमें क्या आया होगा, ये मैं अभी बताने से अच्छा है कि आप शो में देखिए, क्योंकि हम भी उसे, जैसे शांतिभूषण जी ने कहा कि वो पन्ने पलट रहे हैं, वैसे हम भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। लेकिन बताने लायक बहुत है उनके बारे में। वो खुद ज्ञानी थे, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, ये सब भाषाओं में पंडित थे। उन्होंने हिंदी सिखाई, उनको अंग्रेजी सिखानी थी जो ब्रिटिश सरकार ने उन्हें सिखानी नहीं दी, लेकिन उनके सपने, उनके मन में क्रांति थी। फिर आगे चलकर वो हेडमास्टर भी बने, गोरखी के स्कूल में हेडमास्टर वो रिटायर हुए और वहाँ के स्कूल की जो प्रार्थना है वो उन्होंने लिखी है। और एक बात, आगे चलकर जब अपनी उम्र के 50 पार कर गए थे तब अटल जी के साथ उन्होंने लॉ में एडमिशन भी लिया था। अटल जी के साथ साथ वो पढ़े, परीक्षा भी पास की। तो ऐसी सोच रखने वाला, अपने बच्चों के लिए अपने खुद के सपने उनमें देखने वाला एक पिता और एक खुद संघर्ष करने वाला इंसान, यही है कृष्ण बिहारी वाजपेयी। धन्यवाद। तो वेलकम टू डेली रिपोर्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल जानना चाहेंगे, काफी बहुत, मतलब एक किरदार मिला है आपको, काफी स्ट्रॉन्ग किरदार है, कि मतलब खुद को उसमें ढालने में कितनी तकलीफें आई, क्या क्या पेश करना पड़ा, कुछ बता दीजिए। हमारे लिए एक चीज बहुत आसान कर दी थी हमारे लेखक शांतिभूषण जी, हमारी जो टीम है, रिसर्च टीम, जो क्रिएटिव टीम है, उन लोगों ने, कि उन्होंने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन रिसर्च इस
विषय के बारे में कर रखी थी और वो सारी इन्फॉर्मेशन जोड़ के उसका जो एक ब्रीफ है वो हम तक ज़्यादातर ले आए, तो ये काम हमारे लिए आसान उन्होंने कर दिया। अब यहाँ से हमारा काम शुरू हुआ जहाँ हम एक्टर, हमारे डायरेक्टर, इसमें जो जुड़े हैं वो क्रिएटिव लोग मिलकर अब कागज़ पे जो लिखा गया है उसको उसको एक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। तो परेशानियां नहीं होंगी लेकिन चैलेंजेस है, क्योंकि 100 साल पुरानी कहानी है। आज मैं जिस तरह से रहती हूँ, बात करती हूँ, मेरी जो सोच है वो मैं जिस तरह से एक्सप्रेस करती हूँ, ये सब बहुत 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 अलग था 100 साल पहले। तो वो ज़माना कैसा होगा, तब औरतें कैसी रहती होंगी, वो क्या सोचती होगी, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये अब वहाँ उस जड़ तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो खैर शुरुआत ही है, तो अभी बस थोड़ा सा ही रास्ता पार कर लिया है, अभी बहुत लंबा चलना है। आप क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाहूँगा कि जैसे 1920 के आसपास की ये कहानी है, तो ये ऐसी कहानी पर्दे पर दिखाना मुश्किल होता है, देखने में मज़ा बहुत आता है। तो हम भी वही मतलब अभी सोच सोच के खुश हो रहे हैं कि अपने ही एपिसोड हमें देखने में कितना मज़ा आएगा, और आप सब लोगों को जो मतलब ऑडियंस सब देखेंगे उनको तो और आएगा। हम आप क्या कहना चाहेंगे किरदार के बारे में? कोई लाइंस तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, और अगर कभी कुछ भूल भी जाता हूँ, हर कोई मतलब कोई भी ऐसा मैम सर कोई भी याद करा देता है। सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है आपको? ये सर और डायरेक्टर सर। अच्छा मैम सर? नहीं नहीं, क्या है वो एक्चुअली मेरे साथ ही ज्यादा सीन अभी शूट हुआ, अभी शुरू हुई है, और मेरे ख्याल से तुम्हारे साथ एक ही हुआ है, एक ही दिन, तो इसलिए वैसे सब इसके मतलब प्यार ही करते हैं। नहीं, और कई बार ऐसे होता है ना कि कई बार मतलब घर में पिताजी डांटते हैं और माँ प्यार करती है, तो यहाँ पे शायद उल्टा ऐसे हो रहा है ना। ओके, बच्चे के भी होने से काफी रौनक बढ़ जाती है, काफी नई चीजें सीखने मिलती है। आप लोगों को उनसे क्या सीखने मिला? कॉन्फिडेंस, उनका कॉन्फिडेंस। अगर इस उम्र में ये कॉन्फिडेंस मेरे पास होता तो मैं कुछ शायद और कर लेती। अभी इस उम्र में भी कॉन्फिडेंस कभी कभी नहीं रहता है, लेकिन इन बच्चों में जो कॉन्फिडेंस है और टेक्निकल नॉलेज इनके पास जो है वो देख के मुझे बहुत मजा आता है। मैंने तो पेशेंस सीखा है व्योम से। व्योम है ना बहुत ठंड रखता है दिमाग में, वहां पे बहुत प्रेशर होता है। हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, तो थोड़ा सा वो काम में टेंशन में कभी कभी ना चिड़चिड़ भी होती है, कभी कभी ऐसे कि जल्दी जल्दी करो खाई भी होती है। फिर भी व्योम जो है ना वो हमेशा एकदम ठंडा रहेगा, एकदम शांति से अपना काम करेगा। तो ये मैं व्योम से सीखता हूँ। ओके, तो व्योम आपसे जानना चाहेंगे इतना मतलब लाइन मम्मा कैसे याद करवाती है आपको, डिफिकल्टीज होती है आपको कुछ? डिफिकल्टी बिल्कुल नहीं होती, easily हो जाता है सब। अच्छा, कोई डायलॉग आपको याद है? हाँ, पूरा याद है। एक बताना चाहोगी अपने फैंस? खेत कपास का, कपास किसान का, तो कपड़ा अंग्रेजों का क्यों, नौजवान इस देश का, देश हिंदुस्तानियों का, और हिंदुस्तान अंग्रेजों का क्यों, मिट्टी हमारी अनाज हमारा, खून पसीना हमारा, तो बहेगा अंग्रेजों के लिए क्यों। तो कौन याद कराया आपको ये डायलॉग? खुद से याद हुआ है। खुद से याद किया तुमने? और कुछ चैनल वाले सर्स ने कराया। अच्छा, बहुत नाइस। तो आप दोनों से जानना चाहेंगे, ये किरदार ऐसा किरदार है कि मतलब काफी मतलब लोगों का प्रेशर भी होगा, फैंस के मैसेज भी आए होंगे आपको, तो मतलब कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है लोगों का पर्सनली? मेरे ख्याल से इसके लिए तो वेट करना पड़ेगा, थोड़ा और देखना पड़ेगा, मतलब लोगों ने कुछ एपिसोड देखे तो उसके बाद ही हम तक पहुंचेगा और पता चलेगा। प्रोमोज देख के तो लोगों में काफी दिलचस्पी
पैदा हुई है और मुझे ज्यादातर इंटरेस्टिंग और प्रॉमिसिंग ये दो शब्द सुने हैं मैंने रिएक्शन के तौर पर. लेकिन जैसे आशुतोष ने कहा कि लोग एग्जैक्टली क्या सोचते हैं इस बारे में, इसके लिए तो थोड़ा रुकना पड़ेगा. वैसे अटल जी को सबको देखना है, अटल जी की फैमिली को सबको देखना है, जो भी जिसके पास भी ये पहुंच रहा है ना वो बोल रहा नहीं हमें देखना ही देखना है, तो ये अच्छी बात है. ओके, काफी चीजें चेंज हो गई है, मुंबई से लखनऊ आ गया है, क्या मतलब कितनी मतलब कैसा लग रहा है लखनऊ आज भी देखा गया, पानी पूरी खाया आपने, घूमे घोड़ा गाड़ी पे, क्या कहेंगे? हर प्रांत की, हर शहर की, हर गांव की अपनी एक मिट्टी की खुशबू होती है, एक हवा होती है, एक वहां का कुछ इतिहास होता है, वहां का खाना होता है, वहां का एक माहौल होता है. लखनऊ के बारे में पहले से एक अट्रैक्शन था, आज पहली बार मैं आया हूँ तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है और ये सब महसूस कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे लगता है कि हम अगर शायद हमारे अपने कपड़ों में बाहर घूमने जाते और लखनऊ देखने जाते तो अलग बात होती, लेकिन हम इस लुक में कॉस्ट्यूम में वो देखने के लिए गए, ये मुझे लगता है हमारे लिए भी बहुत एक अद्भुत अनुभव था. और शायद हमारा किरदार निभाते वक्त, साकार करते वक्त इसकी बहुत मदद होगी. ओके, लास्टली व्योम आप तीनों फैंस को क्या कहना चाहेंगे? व्योम व्योम ही कहेगा सबकी. हाँ, 5 दिसंबर से आ रहा है अटल, शाम 8 बजे सोमवार से शुक्रवार जरूर देखना. एंड टीवी पर जरूर देखना. अटल.